गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैम गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू ऑल? हाय आई ऑल मैम। एम आल्सो फाइन बेटा। तो टुडे विल स्टार्ट चैप्टर वन इन इंग्लिश, न्यू क्लास, क्लास फिफ्थ, न्यू चैप्टर, चैप्टर वन। अब देखिए, वन चैप्टर में देखिए क्या है, हॉबी एंड इंटरेस्ट। अब हॉबी क्या होती है और इंटरेस्ट क्या होते हैं, सभी को बिका बेटा स्क्रीन पर आपके बुक दिख रही है ना? आर यू श्योर? वेरी गुड। यस मैम। तो बेटा देखिए, हॉबी क्या होता है, हॉबी शौक होता है, और इंटरेस्ट क्या है, रुचि। बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग है। हॉबी होता है शौक, हमें इस चीज का शौक है, और इंटरेस्ट रुचि होती है, हमारे इस काम में रुचि है। तो डियर रीडर, चलिए बेटा रीड करिए, राजपाल यू। डियर रीडर, वी ऑल हैव डिफरेंट हॉबीज एंड इंटरेस्ट। हॉबीज एंड इंटरेस्ट, फ्रॉम प्लेइंग गेम्स टू ड्राइंग, डांसिंग टू सिंगिंग, रीडिंग टू कुकिंग, कलेक्टिंग थिंग्स एट थिंग्स विथ पेट पेट्स अ हॉबी रिलैक्सेस एंड गिव अ रिलैक्सेस एंड गिव अ पर्सेस इन इन द डैम्स यू विल रीड अ इन दिस थीम इन इन हिज स्टीम यू विल रीड अ स्टोरी एंड अ पोएम अबाउट हॉबीज एंड इंटेंस हैप्पी रीडिंग। यस बेटा देखिए, अंचित वंस अगेन यू रीड। अंचित, हॉबीज एंड इंटरेस्टेड। डियर रीडर, वी ऑल हैव डिफरेंट हॉबीज एंड इंटरेस्ट, फ्रॉम प्लेइंग गेम्स टू ड्राइंग, डांसिंग टू सिंगिंग, रीडिंग टू कुकिंग, कलेक्टिंग थिंग्स टू प्लेइंग विद पेट्स। अ हॉबी रिलैक्सेस अस एंड गिव्स अस प्लेजर इन दिस डैम You will read a story and a poem about the hobbies and interest. Happy reading. Yes, beta. तो देखिए, hobby and interested. Interest. तो hobby क्या होते हैं? शौक होते हैं. और interest क्या है? रुचि है. तो dear reader, we all have different hobbies and interest. तो हमारे हम सभी के पास अलग अलग हॉबी होती हैं और अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, मींस अलग अलग सभी के शौक होते हैं और सभी की रुचि होती है। फ्रॉम प्लेइंग गेम टू ड्राइंग, प्लेइंग गेम से, खेल खेलने से लेकर के ड्राइंग करने तक, डांसिंग टू सिंगिंग, नाचने से लेकर गाने तक, रीडिंग टू कुकिंग, पढ़ने से कुकिंग तक, खाना बनाने तक, कलेक्टिंग थिंग, चीजों को कलेक्ट करके इकट्ठा करने से लेकर के प्लेइंग विद पेट, पालतू जो पालतू जानवर से इनके साथ खेलने तक। देखिए, आप लोग कभी एनिमल्स के साथ, जो पेट एनिमल्स हैं उनके साथ कभी प्ले किया है? ममता, यस बेटा ममता, बेटा आपने कभी जो पेट एनिमल्स हैं उनके साथ कभी प्ले किया है? नो मैम। नो? अंचित यू? हम प्ले किए हैं डॉग्स के संग, पप्पी जो है हमने। यस मैम। आप लोगों को पता होना चाहिए, जो डॉग्स के पप्पी होते हैं वो बहुत ही क्यूट होते हैं। देखिए, किसी के भी यंग वंस, किसी के भी हो,
काउस के बच्चे को देखिए, जो उसका काफ है कितना प्यारा होता है जब छोटा रहता है। तो बहुत से चिल्ड्रंस और ऐसे होते हैं जो चाइल्ड होते हैं, वो पेट्स के साथ प्ले करना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही लोग ऐसे होते हैं। बरखा, आपने कभी पेट के साथ प्ले किया है? बरखा, यस और नो? नो। चलिए गौरव और साक्षी, आप लोगों ने? नो मैम। नहीं, आपको इसका मतलब जो पेट एनिमल्स है उनके साथ खेलना नहीं अच्छा लगता? और बहुत सारे तो ऐसे बच्चे होते हैं जो पेट्स को, जो डॉग्स के पपीज वगैरह उनको पेट कर लेते हैं, पाल लेते हैं, घर पर रखते हैं। यस शिवान्या, आपने कभी सुना है कि डॉग्स को पालते हैं लोग? यस मैम, बहुत से लोग पालते हैं डॉग्स को ही नहीं, कैट को, रैट को, रैबिट को, सभी को लोग, पैरट देखिए, पैरट को भी। Yes, ma'am. तो फिर देखिए क्या है, a hobby relax us, hobby हमें relax देती है। Relax means आराम, शौक जो है हमें relax करता है, आराम देता है, and gives us pleasure और हमें आनंद देता है, हमें relax करता है और आनंद देता है, pleasure, आनंद प्रदान करता है। क्या हॉबी? इन दिस थीम, इस थीम में क्या है, अब हम क्या पढ़ेंगे इस थीम के अंतर्गत? इस थीम के अंदर हम पढ़ेंगे, यू विल रीड अ स्टोरी, एक स्टोरी पढ़ेंगे, और आप पोयम, एक पोयम को पढ़ेंगे, अबाउट हॉबीज एंड इंटरेस्टेड, जो किसके बारे में, शौक के बारे में और रुचि के बारे में है। हैप्पी रीडिंग। तो फिर देखिए क्या है, फर्स्ट चैप्टर, व्हाट इज दिस शिवान्या? रीड करिए स्टोरी। यस, लूशास स्टोरी। एंड सेकंड, द लिटिल व्हाइट डॉग। द लिटिल व्हाइट डॉग, वेरी गुड। तो फर्स्ट चैप्टर आपके क्या है, लूशास स्टोरी, लूशा की कहानियां हैं, लूशा की कहानी है। और सेकंड पोयम है, क्या है ये, अ लिटिल व्हाइट डॉग। मैंने अभी अभी बताया कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो डॉग्स को पेट करते हैं, पाल लेते हैं उन्हें, तो उसी अकॉर्डिंग है लूशास स्टोरी। अब देखिए गेट सेट, गेट सेट, रीड द टू सेंटेंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको दो सेंटेंसेस में रीड करने हैं, रीड द टू सेंटेंसेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और जो स्पेस है, जो खाली जगह है, इसे आपको फिल करना है। माय फेवरेट हॉबी इज, यहाँ आपको फिल करना है जो आपकी हॉबी हो, जो आपका शौक हो। और आई वॉन्ट टू बिकम अ, व्हेन आई ग्रो अप, और जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं बनना चाहूंगा, क्या बनना चाहेंगे आप? अभिनय पांडे, अभिनय अनम्यूट होइए बेटा। यस बेटा अभिनय, माय फेवरेट हॉबी इज, योर फेवरेट हॉबी क्या है, व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी? माय फेवरेट हॉबी इज पप्पी। यस बेटा, वंस अगेन, माय फेवरेट पप्पी क्या है आपकी, वही तो मुझे जानना है, क्या है, क्या आपकी हॉबी है फेवरेट? सिंगिंग करना, डांसिंग करना? यस मैम, पप्पी है मेरा फेवरेट हॉबी। बेटा पप्पी हॉबी, हॉबी मीन्स शौक होता है।
शौक मीन्स आपकी क्या शौक है, आपको खान आपको ब्रेकफास्ट लेना ज्यादा अच्छा लगता है कि सुबह हम उठकर खाना खाने में व्यस्त हो जाए, या फिर आपको फ्रेश होना है हो करके, क्या आपको किसी को रीडिंग हॉबी होती है, किसी की उसे पढ़ने का शौक रहता है, किसी को राइटिंग करने का शौक होता है, किसी को सिंगिंग का शौक होता है, सबकी अपनी अपनी शौक होते हैं, तो आपका क्या शौक है? My hobby is cricket. Cricket, play cricket. Very good. तो आपका हॉबी क्या है? आपको खेलना पसंद है, खेलने का शौक है. और आई वॉन्ट टू बिकम अ व्हेन आई ग्रो अप, जब आप बड़े होंगे तो क्या बनना चाहेंगे? यस अभिनय, बेटा आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है, वन सेकेंड. चलिए, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, दैट्स रीजन इनकी वॉइस मेरे पास ना पहुंच रही हो. तो ममता यू से यू वांट टू बिकम अ व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े होंगे तो आप क्या बनना चाहेंगे? मैम डॉक्टर. वेरी गुड बेटा. तो आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं डॉक्टर बनना चाहूंगी. वेरी गुड. आर योर आंसर टू बी Are your answer to the two blanks similar? It is possible to make your hobby or profession. So, all you understand this topic? क्या आपको ये बातें, जो भी टॉपिक्स था ये आपके, आपको क्लियर हुआ? शिवान्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, beta. तो reading junction. Reading junction क्या है? बरखा बेटा, you read. Ma'am, once upon a time, there were no, beta, four no. little girls stop. who lived in stop. a We all have hobbies. Start. Here start. We all have hobbies. Yes, start कीजिए बरखा. We all have hobbies. Yes. Some like sports. Yes. Some like reading and yes. some like collecting. Let us read a story about a girl named Loisa who liked writing a story and play. Once Very upon good. a time, Stop. there were four little... Stop! Go. Mute कीजिए. Yes. So, we all have hobbies. हम सभी के पास शौक होते हैं. सभी के पास अपने अपने शौक हैं. तो सम लाइक स्पोर्ट, किसी को खेलना पसंद है, किसी का खेलना शौक है, और किसी का रीडिंग करना. एंड सम लाइक कलेक्टिंग वेरियस थिंग्स, और बहुत से लोगों को जो वेरियस थिंग्स हैं उनको कलेक्ट करना है. लेट अस रीड अ स्टोरी, चलो एक कहानी पढ़ते हैं. क्या कहानी है ये? अबाउट अ गर्ल नेम लूशा. एक लूशा की, एक लड़की की कहानी, उसका नाम लूशा है. हु लाइक्ड राइटिंग स्टोरी एंड प्लेज, उसे क्या पसंद है? उसे स्टोरी लिखना और प्ले करना पसंद है, मीन्स अभिनय करना, स्टोरी लिखना और उसके अनुरूप एक्टिंग करना. अंडरस्टैंड एवरी वन? यस मैम. नैना बेटा, यू रीड वंस अपॉन ए टाइम. बेटा म्यूट होइए, पहले माइक ऑन कीजिए. बेटा आप सभी तक नैना की आवाज जा रही है?
नो मैम। बेटा नैना आप जहाँ पर हैं वहां नेटवर्क प्रॉब्लम है, दैट सीजन आपकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही। आप बेटा नेटवर्क में हो जाइए, तब तक कोई और रीड करेगा। नैना आप नेटवर्क में होइए एंड साक्षी गौरव, गौरव यू रीड, गौरव वंस अपॉन ए टाइम पॉल लिटिल लिव इन अ बिग हाउस इन इन कंट्री साइड द हाउस वॉज वेरी ओल्ड एंड क्रिस्ट ग्रीव ऑन इट वॉल द गर्ल हैड अ विश फादर हु टोल्ड हिम लवली स्टोरी स्टॉप ही आल्सो ट्राउड स्टॉप देम बेटा स्टॉप यू वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है। क्या है? देयर वर फोर लिटिल गर्ल, चार लड़कियां थी, हु लिव्ड जो रहती थी, कहां रहती थी, इन अ बिग हाउस एक बड़े से घर में, इन द कंट्री साइड, जो कंट्री साइड मीन्स रूरल एरिया मीन्स ग्रामीण क्षेत्र में साइड में था। तो वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है, फोर गर्ल्स थी हु लिव्ड इन अ बिग हाउस इन द कंट्री साइड। तो कंट्री साइड यानी जो ग्रामीण एरिया है वहां पर एक बड़े से घर में चार लड़कियां रहती थी। ग्रामीण एरिया जानते हैं क्या है? गांव, रूरल एरिया। तो ग्रामीण क्षेत्र में ये लोग क्या, बड़े से घर में चार लड़कियां रहती थी। द हाउस वॉज वेरी ओल्ड, जो घर था वो बहुत पुराना था। द क्रीपर्स ग्रीव ऑन इट्स वॉल, और जो प्लांट्स हैं, ये कौन से प्लांट्स हैं अंचित? यू क्रीपर, ये कैसे प्लांट्स होते हैं? कोई इनका एग्जांपल दीजिए। मैम मनी प्लांट की तरह। यस बेटा, जैसे पंपकिन का प्लांट्स होता है, जैसे मनी प्लांट के प्लांट होते हैं, मीन्स वो सहारा लेकर के चढ़ते हैं। आर यू नो दीज प्लांट्स? क्या आप इन प्लांट्स के बारे में जानते हैं? साक्षी, साक्षी बेटा, बेटा माइक ऑन करके बोला करिए। यस मैम। यस बेटा, तो ये प्लांट्स कैसे होते हैं, ये देखिए वर्ड मीनिंग में, प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग वॉल्स और अराउंड अदर प्लांट्स। ये कैसे प्लांट्स होते हैं? जो दीवार पर सहारा लेकर के चढ़ते हैं, जैसे यस मैम, जैसे मनी प्लांट, जैसे मनी प्लांट, पंपकिन, और भी कोई एग्जांपल बताइए। बीटल गॉड, बॉटल गॉड, करेला हुआ, वेरी गुड। यस, तो ऐसे प्लांट्स जो हैं वो क्या हैं? द कीपर्स ग्रीव ऑन इट्स वॉल, इसकी दीवार पर जो ये प्लांट्स थे, कीपर्स थे, वो चढ़ गए थे। घर बहुत पुराना था, जिस बड़े घर में चार लड़कियां रहती थी वो घर बहुत पुराना था, और उसकी दीवार पर ये ऐसे जो पौधे थे वो चढ़ गए थे। द गर्ल्स हैड अ वॉइस फादर, लड़कियों के पास एक वॉइस फादर थे। वॉइस मीन्स राजपाल। यू बेटा वॉइस क्या है? अतुल, यस अतुल, अब मोबाइल से अपने फिंगर को अलग करिए। यस, अब मैं जो माइक है से ऑन कीजिए। यस,
अब मुझे बताइए वॉइस क्या है, व्हाट इज वॉइस? आवाज। आवाज बेटा, स्पेलिंग वी ओ आई सी नहीं है यहाँ, डब्ल्यू आई एस ई। वॉइस मीन्स चतुर या बुद्धिमान। लिसन एवरीवन, वॉइस मीन्स बुद्धिमान या फिर चतुर। क्लीवर मीन्स चतुर, वैसे बुद्धिमान इज करेक्ट। तो उसके पास द गर्ल्स हैड अ वॉइस फादर, उसके पास एक बुद्धिमान पिता थे। हु टोल्ड देम, जो उन्हें सुनाया करते थे। हु टोल्ड देम लवली स्टोरीज, सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी कहानियां, जो उन्हें अच्छी अच्छी कहानियां, सुंदर कहानियां सुनाया करते थे। ही ऑल्सो टॉट देम देयर लेसन इन सच ए ब्यूटीफुल वे। ही ऑल्सो टॉट देम, और उन्हें ये भी सिखाते थे, देयर लेसन, उनसे क्या शिक्षा मिलती है, इन अ सच ब्यूटीफुल वे, और उन कहानियों से क्या शिक्षा मिलती है वो भी बताते थे। जैसे आपने बहुत सारे स्टोरीज वगैरह सुनी होंगी, अभिनय, यस अभिनय, यस मैम। बेटा आपने बहुत सारी स्टोरियां सुनी होंगी, यस मैम, और उन स्टोरियों से आपको कुछ ना कुछ सीख मिल जाती है, यस मैम, मिलती है। जैसे दूसरों की हमेशा मदद करो, yes. किसी का, किसी पर हंसो मत, किसी की हंसी मत उड़ाओ, या परोपकार करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे हमें क्या लेसन्स मिल जाते हैं, बहुत सारी जो सीख मिलती है। तो दैट्स इट वॉज बेटर देन प्ले, और ये खेलने से अच्छा होता है। जो आप प्ले करते हैं प्लेग्राउंड में, उससे किसी से अच्छी स्टोरियां सुनना अच्छा होता है। अब देखिए और क्या है, देयर मदर वाज ए मिरी काइंड वुमन हु हेल्प देम वर्क एंड प्ले। अब उसके पास एक माँ थी, देयर मदर वाज ए मिरी काइंड वुमन। उसकी माँ कैसी थी, काइंड वुमन थी, जो क्या करती थी, हु हेल्प देम, जिनकी मदद करती थी वर्क एंड प्ले, काम करने में और खेलने में। द गर्ल्स हैड ऑल द ग्रेट ग्रीन कंट्री टू प्ले। अब लड़कियों के पास एक ग्रीन, ग्रेट ग्रीन कंट्री टू प्ले, एक उनके पास हरा भरा खेल का मैदान भी था प्ले करने के लिए। देयर वर डार्क शैडोई वुड्स। अब वहां पर क्या थे, घने छायादार वुड्स मीन्स जंगल थे। ग्रीन मेडियस, हरे हरे चारागाह थे। वास्ट फील्ड ऑफ वीट एंड बर्ली, और क्या थे, विशाल खेत थे, किसके, गेहूं के एंड बर्ली, जौ के। वहां पर क्या था, जहां पर लड़कियों को खेलने के लिए उनके पास एक प्लेग्राउंड था, वहां पर घना जंगल था और छायादार था वो जंगल, जहां पर पेड़ थे और हरे हरे चारागाह थे। चारागाह तो आप लोग जानते ही होंगे, हरे भरे खेत थे। अंचित, अंचित बेटा, कुछ भी ईट करने, जब सेशन आपका फिनिश हो तब ईट करा करिए, या फिर स्टार्ट होने से पहले ही, जो कुछ भी आपको खाना हो सब कुछ खा पी करके बैठा करो। अंडरस्टैंड? यस मैम। यस बेटा, तो वहां पर अब क्या थे, वास्ट फील्ड्स ऑफ वीट एंड वर्ले, जौ और गेहूं के खेत थे विशाल विशाल, एंड बबलिंग स्ट्रीम, और
स्ट्रीम मीन्स होता है जलधारा, यानी छोटी सी नदी जो बहती रहती है। तो बबलिंग एक छोटी सी नदी है जो बहती है वहां, एंड ग्लिटर्ड लाइक डायमंड इन द आफ्टरनून सन, और वो ऐसे लगती है जैसे डायमंड हो सूरज की रोशनी में। जब सूरज की तेज धूप होती है तो उस समय नदी का पानी ऐसे दिखता है जैसे डायमंड हो। डायमंड मीन्स राजपाल यू बेटा डायमंड हीरा हीरा यस बेटा वेरी गुड। तो दे आल्सो हैड ए बिग बर्न। बिग बर्न क्या है? खेत की बड़ी बड़ी अनाज जहां पर होते हैं, बड़े बड़े मैदान। ये देखिए बर्न अ फॉर्म बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग ग्रेन, जहां पर बड़े बड़े अनाज के ढेर लगाए। तो उनके पास बड़े अनाज के ढेर भी थे। वन ऑफ द लिटिल गर्ल्स वॉज नेम लूशा। अब वहां पर एक गर्ल्स थी, उन फोर गर्ल्स में एक गर्ल्स का नाम था लूशा। सी वॉज वेरी प्रिटी। वो कैसी थी? प्रिटी मीन्स शिवान्या। यस मैम। यस बेटा प्रिटी सुंदर। सुंदर वेरी गुड। तो वो कैसी थी? सुंदर थी। सी वॉज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। और वो कैसी थी? मजबूत थी या बहादुर थी? मजबूत। She was also very strong. वो बहुत ही बहादुर थी। She could run for mile. वो मीलों दौड़ सकती थी। Through the wood, जंगलों में, and not get tired. और वो थकती भी नहीं थी। वो इतनी strong थी, इतनी बहादुर थी कि वो मीलों दौड़ती थी जंगलों में और नहीं थकती थी। लूसा हैड अ रिमार्केबल ब्रेन। लूसा के पास एक रिमार्केबल मीन्स विलक्षण दिमाग था। इन हर लिटिल हेड, उसके छोटे से सिर में एक बहुत ही विलक्षण माइंड था। इट लाइक टू स्टडी, उसे पढ़ना पसंद था। इट आल्सो थ्रो इंटरेस्टिंग थॉट All day long. It also thought, वो सोचा करती थी। Interesting thought, अच्छे अच्छे रुचिकर विचारों को सारे दिन। सारे दिन वो पूरे रुचिकर जो अच्छे अच्छे विचार थे, interesting thoughts थे, सोच थी, वो सारे दिन सोचा करती थी। कैसे हम किसी की भलाई करें, कैसे किसी के काम आ जाएं हम। समझ रहे हैं आप सभी? Yes, ma'am. Yes. तो लूसा has a small diary. लूसा के पास एक छोटी सी डायरी थी। डायरी आप लोग जानते हैं ना क्या है? Yes, ma'am. Yes, बेटा डायरी। डायरी तो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हर ईयर की न्यू न्यू डायरी आती रहती है। उसमें डेट्स होते हैं, डेज होते हैं, मंथ होते हैं, ईयर्स होता है। यस मैम। सभी ने देखा है ना डायरी? yes, सभी ने देखा होगा। अतुल यू यू सी डायरी? आप डायरी को देखते हैं? यस। तो लूसा हैड ए स्मॉल डायरी। लूसा के पास एक छोटी सी डायरी थी। समटाइम्स कभी कभी सी वुड सिट इन अ कॉर्नर बाय हरसेल्फ। वो खुद ही स्वयं। अब देखिए सी हरसेल्फ, ये कौन सा प्रोनाउंस है? आपने लास्ट डे पढ़ा था प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउन में, पार्ट ऑफ नाउन में प्रोनाउन पढ़ा था। यहाँ सी और हरसेल्फ। शिवान्या यू मैम रिलेक्टिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव
कौन सा प्रोनाउन है ये? साक्षी आप बताइए. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव. ओके तो फिर देखिए, तो सी वुड सिट इन द कॉर्नर बाय हिमसेल्फ. वो खुद ही कोने में बैठ जाती थी एंड नोट डाउन, और लिखती थी. क्या नोट करती थी? हर थॉट इन इट, इसमें अपने विचार नोट करती थी डायरी में. सोच नोट करती थी, थॉट नोट करती थी. जैसे कि थॉट आप लोग रेडी करके आप स्कूल असेंबली में बोलते थे. रिमेंबर यू? आप सभी को याद है या नहीं? भूल गए? यस. तो ऐसे ही वो क्या करती थी, अच्छे अच्छे थॉट्स वो उस डायरी में लिखती थी. सी लाइक टू मेक अप स्टोरीज. उसे कहानियां बनाने का शौक था, कहानी वो क्रिएट करती थी. ऑन हर ऑन, खुद भी, स्वयं ही खुद वो कहानियां लिखती थी. एंड राइट पोएम टू, और कविताएं भी लिखती थी. द गर्ल्स वुड वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. लड़कियां क्या है, सुबह जल्दी उठ जाती थी. मेक देयर बेड एंड सिट डाउन टू स्टडी. अपने बिस्तर को, अपने बेड को समेट देती थी, इकट्ठा कर देती थी, और उसके बाद क्या करती थी, सिट डाउन टू स्टडी, पढ़ने के लिए बैठ जाती थी. व्हेन दे हैड फिनिश्ड देयर लेसन, जब वो अपने पार्ट को, अपने चैप्टर को फिनिश कर देती थी. दे वुड हेल्प देयर मदर सेट द टेबल फॉर ब्रेकफास्ट. फिर वो क्या करती थी, वे हेल्प करती थी मदर, अपनी माँ की, सेट द टेबल फॉर ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट की टेबल को सेट करने में. ब्रेकफास्ट की टेबल कैसे सेट की जाती, जैसे ब्रेड रख दिया जाता है, टी, मिल्क, जैम वगैरह जो कुछ भी है, तो वो टेबल पर सेट कर देती थी. आफ्टर दैट दे वुड गो टू द बिग बर्न टू प्ले, और इसके बाद वो खेलने के लिए चली जाती थी. देयर फेवरेट गेम वॉज प्रिटेंडेड प्ले, और इनका फेवरेट गेम था बहाने बनाने वाला खेल, नाटक करने वाला. द गर्ल्स लव्ड एक्टिंग मोर देन एनीथिंग. अब गर्ल्स लव्ड, लड़कियों को पसंद था एक्टिंग करना, मोर देन एनीथिंग, किसी भी चीज की इनको एक्टिंग करना पसंद था. दे हैड मेड टू बर्न इन टू अ थिएटर. अब ये क्या करती थी, थिएटर बनाती थी. एंड इन्वेंटेड द ग्रोन अप टू कम वॉच द प्ले दे एक्ट इन, और फिर अपने से बड़े लोगों को ये बुलाती थी वॉच द प्ले, जो अभिनय ये लोग करना है, जो नाटक प्ले करने वाली है, उसको देखने के लिए. दे एक्ट इन, और इसके बाद ये अभिनय करती थी. इट वॉज ग्रेट फन, और ये बहुत अच्छा फन था. ओके आप लोगों को इस चैप्टर में इतना आप लोगों ने पढ़ा, वन टू एंड थ्री टॉपिक्स पैसेज समझ में आया? यस मैम. तो वंस टाइम आप लोग इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे. अब कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं क्या बोलूं, वैसे आप लोग बुक को खरीदने की कोशिश करें. टाइम से अगर रीडिंग करेंगे, टाइमली क्लास लेंगे, तो हो सकता है समझ में सबकी अच्छे से आ जाए. तो अब हम पूछना चाहेंगे आप लोगों को, आप लोगों से हमें पूछना है कि जो आपका ये हॉबी एंड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अलग चीज होता है और हॉबी अलग होती है, इसको कैसे क्लियरिफाई करेंगे, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, कैसे परिभाषित कर लेंगे. शौक है और रुचि, शौक और रुचि को हमें अलग अलग करना है. शौक क्या होता है, शौक
जैसे किसी को साइकिलिंग करने का शौक होता है, मुझे शौक है मुझे साइकिल चलाना है, मुझे मार्केट जाना है, और इंटरेस्ट क्या है, मुझे पढ़ने में रुचि है, अच्छा लगता है पढ़ना, ऐसे बहुत सारे, इन दोनों में डिफरेंस है। आज आपका वर्क यही है, आप लोग इसके बारे में सोचेंगे और नेक्स्ट डे फिर जब हम आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो आप लोग मुझे बताएंगे हॉबी क्या होता है और इंटरेस्ट क्या होते हैं। या आप चाहे तो राइटिंग करके भी सेंड भी कर सकते हैं, व्हाट इज हॉबी एंड व्हाट इज इंटरेस्ट, सभी लोग ग्रुप में सेंड करके भेजिएगा। व्हाट इज हॉबी, क्वेश्चन बनाइएगा, व्हाट इज हॉबी, हॉबीज क्या है, एंड व्हाट इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है। समझ रहे ना सभी? यस मैम। और इसके बारे में आपको फिर राइट करना है कि यही हॉबी है और यही इंटरेस्ट है। ओके यस मैम। यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो मैम। इस क्वेश्चन no, में आपको हॉबी और इंटरेस्ट के बारे में राइट करना है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। कर लेंगे सभी? यस मैम। साक्षी आप जो है वहां बहुत ही अंधेरा है, लाइट वहां से जा चुकी है, डार्कनेस बहुत है। चलिए कोई बात नहीं, आपका सेशन भी फाइनल होने वाला है, नो टेंशन। तो बेटा नेक्स्ट डे आगे के लिए हम रीड करेंगे, जो भी चैप्टर हमारा बचा हुआ है उसे पढ़ते हैं, और आप लोग इंटरेस्ट एंड हॉबी का एक्सप्लेन करके मुझे भेजिएगा, सेंड पर सेंड कीजिएगा ग्रुप पर। यस मैम। तो बेटा ये सेशन यही yes, इतना ही आपके लिए, सेशन यहाँ एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। मैम मैम गुड बाय। गुड बाय बेटा। बाय।